नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 14 सितंबर तक की मैंने आपको राजस्थान की करंट जीके दे दी थी, उसके बाद मैं आपको करंट जीके दे नहीं पाया था, तो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की राजस्थान की करंट जीके। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट स्ट्रेट ड्राइव गोल्फ कैटेगरी में राजस्थान के राजकुमार कसवा किस स्थान पर है। ठीक है, ये आपको बताना है कि उन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, पूरे देश के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया था। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा वाला, यानी कि इन्होंने पूरे देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रेट ड्राइव के अंदर, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव गोल्फ कैटेगरी के अंदर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है पूरे देश के अंदर। और ये टूर्नामेंट जो हुआ था वो हुआ था नोएडा के अंदर। ठीक है, नोएडा के अंदर ये टूर्नामेंट कराया गया था, पूरे देश का टूर्नामेंट था, तो गौरव की बात है राजस्थान के लिए। तो नाम आपको याद रखना है राजकुमार कसवा। इनके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो वर्तमान में जालौर है, ठीक है, जालौर आप सभी को पता है जालौर जिला है, वहाँ के एडिशनल SP के पद पर कार्यरत है वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन की। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने किस सेवा को शुरू किया, या कह सकते हैं किस सेवा का शुभारंभ किया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, अगर आपने करंट जीके देखी है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। तो फटाफट से देखिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है पहला वाला, स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, तो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस सेवा का शुभारंभ किया, इस सेवा को शुरू किया। अब इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बनती है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, बाकी तीन को भूल जाना। तो स्वच्छता ही सेवा के तहत, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हुई है वो मैं आपको पूरी बताता हूँ कि जो भी देश के आइकॉनिक प्लेस है, ठीक है, वहाँ के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या किया है, स्वच्छता के संबंध में सीधा संवाद किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने। और राजस्थान की यहाँ पे जो बात आती है वो आती है कि अजमेर की जो मस्जिद है, ठीक है, ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, वहाँ के खादिमों से भी सीधा संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है अगर राजस्थान की बात हम करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस जिले में होविजर तोप K9 वज्र टीका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, किस जिले में किया गया ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से देखिए, हो सकता है आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, फटाफट से देखिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा वाला, यानी कि जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर की जो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये जो होविजर टोप K9 वज्र टी है, नाम आपको याद रखना है, इसकी जो मारक क्षमता है वो है 40 से 50 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इसको बनाया किसने है, कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इसके तहत एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, मैं आपको नाम बता देता हूं, लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो ये कंपनी का नाम है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो जो आपके डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान का, उसके अच्छा क्वेश्चन है होविजर टोप K9 वज्र टी। तो सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया, जैसलमेर के अंदर पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, आपको पता होगा क्योंकि हाल ही में ये मनाया गया है, तो सभी को पता होगा, फटाफट से देखिए, हो सकता है आपको पता हो इसका आंसर, और आप में से काफ़ी लोग इंजीनियर होंगे भी तो आपको तो जरूर पता होगा। तो यहाँ से जो पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, इंजीनियर्स डे हमारे भारत में मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करंट का जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर डायनासोर के 75,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पुरातात्विक अगर चीज़ों की बात करें तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर डायनासोर के 75,000 साल पुराने शैलचित्र मिले हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से देखिए कि किस स्थान पर मिले हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा तीसरा वाला, यानी कि रावतभाटा। ठीक है, रावतभाटा में एक गाँव है श्रीपुरा करके। ठीक है, श्रीपुरा गाँव है, वहाँ पर इसके शैलचित्र मिले हैं डायनासोर के। तो राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पुख्ता सबूत मिले हैं डायनासोर के होने के। ठीक है, डायनासोर के शैलचित्र होने के कोई पुख्ता सबूत पहली बार मिले हैं। तो रावतभाटा में श्रीपुरा एक गांव है, वहाँ पे ये शैलचित्र मिले हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के किस जिले में भारतीय पर्यटन उत्सव 16 से 27 सितंबर तक मनाया जाएगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपका यहाँ से बता रखे हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है, फटाफट से देखिए शायद आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि जयपुर में, ठीक है। जयपुर में 16 से लेकर 27 सितंबर के बीच में भारतीय पर्यटन उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। अब ये आयोजन कौन करवा रहा है? पर्यटन मंत्रालय। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन करवा रहा है, ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय की ओर से हो रहा है इसका आयोजन। रन फॉर पर्यटन चलेगा आपका 16 से लेके 27 सितंबर तक पर्यटन उत्सव मनाया जाएगा। तो ये हो गई इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में, मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना, कि हाल ही में किस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट टीम को राष्ट्रीय सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि वो कौन सा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट था जिसको ये अवार्ड मिला है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, फटाफट से देखिए, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो और ये अवार्ड दिया कहाँ गया था? दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये दिल्ली के अंदर ही इसका आयोजन हुआ था, यहाँ पर इसको अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया? इको फ्रेंडली व कला के क्षेत्र में, ठीक है, वह कला क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए, ठीक है। तो इसकी जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, वो अच्छी थी, इको फ्रेंडली थी, कला क्षेत्र के अंदर इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया अवार्ड 2018 में स्टार्टअप वर्ग में राजस्थान के किस जिले की कंपनी को प्रथम स्थान मिला है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इस अवार्ड में, ठीक है, इस अवार्ड में स्टार्टअप वर्ग में प्रथम स्थान मिला है, तो वो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है, किस जगह की कंपनी है। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला वाला, डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर की आदिवासी महिलाओं की कंपनी है, ठीक है। वो क्या बनाती है? सोलर लैंप और सोलर यूनिट निर्माण करती है। तो इस कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया अवार्ड 2018 के अंदर स्टार्टअप वर्ग में राजस्थान में पहला स्थान मिला है, ठीक है। इस कंपनी को पहला स्थान मिला है UBM इंडिया द्वारा, ग्रेटर नोएडा, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा इसका आयोजन हुआ था, ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका समारोह हुआ था, वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर हो गया, ठीक है, स्टार्टअप वर्ग के अंदर पहला स्थान। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जयपुर में 26 से 28 सितंबर तक स्मार्ट सिटी एक्सपो का आयोजन होने वाला है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसका उद्घाटन कौन करेंगे ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से ये बताइए कि जो स्मार्ट सिटी एक्सपो होने वाला है जयपुर के अंदर 26 से 28 सितंबर तक, आगे होगा अभी हुआ नहीं है, और उसका उद्घाटन कौन करने वाला है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो होता है पहला वाला, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसका उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 26 सितंबर को। 25 सितंबर को वो जयपुर आएंगे और 26 सितंबर को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर के अंदर होगा, उपराष्ट्रपति करेंगे इसका उद्घाटन 26 सितंबर को, ठीक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के हाल ही में MSME Day का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि MSME Day क्या है वगैरह वगैरह। तो पहले आपको ये बताना है कि राजस्थान के किस जिले में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और ये हो चुका है, कब हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था 17 सितंबर को, 17 सितंबर को इसका आयोजन हो चुका है। तो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो होगा चौथा वाला, यानी कि जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। MSME Day का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ था 17 सितंबर को। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख ले, देखिए जयपुर में कहाँ हुआ था? होटल क्लार्क्स में। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था, इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है। अब MSME Day है क्या? देखिए हर एक का एक अलग अलग मतलब है। MSME का, एम का मतलब है माइक्रो, ठीक है। पहले वाला एम का बन जाता है माइक्रो, दूसरा वाला एस का बन जाता है स्मॉल, माइक्रो स्मॉल, फिर एंड एम का बन जाता है आपका मीडियम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये से बन जाता है इंटरप्राइजेज। तो ये पूरा का पूरा अगर हिंदी में हम बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म बन जाता है। इसमें ये सारी चीज़ें आती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम जितनी भी आपकी कंपनीज़ है, ठीक है, उद्योग वाली कंपनीज़ है, वो सारी इसके अंडर आ जाती है। तो MSME Day का आयोजन राजस्थान में कहाँ पे हुआ था? 17 सितंबर को हुआ है, जयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया पूरे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी न्यूज़ वगैरह मैं आपको नहीं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस बनते हैं, इसे वही आपको बताता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर एक चीज़ को पूरा डीपली पढ़ लेना,
पूरे की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ठीक है। पूरे पूरे 10 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।